हेलो वेलकम बैक। आज मैं देखने जा रहा हूँ किसी इंसुलेटर के अंदर फ्लैश ओवर वोल्टेज क्या होता है, पंचर वोल्टेज क्या होता है और फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होता है। यानी किसी इंसुलेटर में इन सारे टर्म को अपने को देखना है कि इसके अंदर फ्लैश ओवर क्या होता है, पंचर वोल्टेज क्या होता है और इसकी फैक्टर ऑफ सेफ्टी। यहां से मैं देखने वाला हूं इस इंसुलेटर के अक्रॉस अगर हेवी पोटेंशियल अप्लाई होता है तो किस तरीके से फ्लैश ओवर होता है और किस तरीके से पंचर यहां पे होता है। तो यहां मैं दिखाऊं अगर आपको इस सर्किट के अंदर, इस इंसुलेटर के अंदर, तो देखिए यहां पे और यहां पे पोटेंशियल अप्लाई है तो एक वोल्टेज लेवल के बाद ये देखिए आपका आर्क का फॉर्मेशन हुआ, ये हुआ आपका कहलाता है फ्लैश। और जिस वोल्टेज पे ये फ्लैश होता है उसको बोलते हैं फ्लैश ओवर वोल्टेज, उसको बोला जाता है फ्लैश ओवर वोल्टेज। ओके, अब नेक्स्ट है हमारा पंचर वोल्टेज। पंचर वोल्टेज किस वोल्टेज लेवल पे होता है, अगर आपसे बात की जाए पंचर के रिगार्डिंग, समझिएगा जब इस वोल्टेज से भी ज्यादा वोल्टेज अगर अप्लाइड हो जाता है इन इंसुलेटर के बीच, ध्यान रखें इस यानी फ्लैश ओवर वोल्टेज से भी ज्यादा वोल्टेज अगर अप्लाइड हो जाता है तो ये इंसुलेटर के बीचों बीच हेवी, यहां कह सकते हो बहुत ज्यादा, यहां पे क्या होता है आपका आर्क का फॉर्मेशन होता है और इस ये क्या करता है आपका डिस्क को डैमेज करता है, क्या करता है डिस्क को डैमेज कर देता है। ओके, तो ये कहलाता है पंचर वोल्टेज, यानी पंचर हो गया ये डिस्क। डिस्क जब डैमेज होता है तो वह जिस वोल्टेज रेटिंग पे, ध्यान रहे जिस वोल्टेज रेटिंग पे आपका ये डिस्क आपका डैमेज हो जाता है वो कहलाता है, उस वोल्टेज रेटिंग को बोलते हैं पंचर वोल्टेज। यानी अगर आपको कभी भी पंचर वोल्टेज और फ्लैश ओवर वोल्टेज में पूछे कि किसका रेटिंग ज्यादा होता है, हमेशा पंचर वोल्टेज का रेटिंग ज्यादा होता है, पंचर वोल्टेज की रेटिंग हमेशा ज्यादा होती है। फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होता है, ध्यान रखें यहां पे फैक्टर ऑफ सेफ्टी की बात की जाए तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता है हमेशा पंचर वोल्टेज डिवाइडेड बाय फ्लैश ओवर वोल्टेज, जिसका मान हमेशा एक से क्या होगा बड़ा होगा, क्योंकि पंचर वोल्टेज हमेशा ज्यादा हो चाहिए। जब चीजें डैमेज हो जाती हैं तो उस टाइम वोल्टेज आपको ज्यादा चाहिए होता है, फ्लैश ओवर का वोल्टेज कम होता है। अगर ये इंसुलेटर है तो इंसुलेटर के अंदर अगर यहां से एयर का फ्लैश होता है तो फ्लैश ओवर वोल्टेज होगा, फ्लैश करता है, और पंचर होता है तो डायरेक्टली यहां से सडन होता है। तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा यहां पे कि एक पंचर हुआ आपका इंसुलेटर किस तरीके से दिखता है। यहां पे अगर आप देखोगे तो पंचर हुआ एक इंसुलेटर, अगर आपको दिख रहा हो विजुअलाइजेशन के अंदर तो आप देख सकते हो एक पंचर हुआ वोल्टेज, एक पंचर हुआ डिस्क किस तरीके से डैमेज होके आपको दिखता है। यहां पर ये पंचर वोल्टेज के कारण देखिए डिस्क क्या हो गया, डैमेज हो गया है। यहां पे पंचर ऑफ डिस्क इंसुलेटर, ये आपका पंचर है। तो आपने देख लिया कि किस तरीके से किसी ट्रांसमिशन लाइन के इंसुलेटर के अंदर हमारा फ्लैश ओवर वोल्टेज होता है, पंचर वोल्टेज होता है और सेफ्टी फैक्टर होता है। एग्जाम में आपसे कई बार पूछता है फ्लैश ओवर वोल्टेज का रेटिंग आपके पंचर वोल्टेज से ज्यादा होता है या कम होता है, सेफ्टी फैक्टर का मान हमेशा एक से ज्यादा होता है। थैंक यू।